अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है और कहा कि पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता, उनको ये शोभा नहीं देता है। वहीं भोपाल में पट्टा डालकर युवक से मारपीट के मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति के गले में पट्टा बांधकर अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास एक भी शब्द नहीं है। उधर पट्टा बांधकर मारपीट के पीड़ित के भाई ने भी और लोगों पर धर्मांतरण की आशंका जताई है। इस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस हर एंगल पर जांच करेगी, जो भी धर्मांतरण की कोशिश करेगा उससे प्रदेश में कुचल दिया जाएगा। वहीं कमलनाथ के छिंदवाड़ा दौरे पर भी नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। वो बीच बीच में समय समय पर इस तरह की अधिकारी और कर्मचारियों के बात बोलते रहे कि हम कल है, आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि उनको ये शोभा नहीं देता है। अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। बिल्कुल हर एंगल पर जांच करेगी, जो भी धर्मांतरण की कोशिश करेगा, इस तरह से अमानवीय कृत्य करेगा, इस तरह की मानसिकता, इन सबको कुछ लेंगे। कमलनाथ जी अभी तात्कालिक रूप से छिंदवाड़ा में हारे हैं तो उसकी हार की समीक्षा करने के लिए छिंदवाड़ा जा रहे हैं। मुझे लगता है मेरी उनको निजी सलाह है कि छिंदवाड़ा में थोड़ा समय दें, नहीं तो आने वाले विधानसभा में सबसे ज्यादा नुकसान छिंदवाड़ा में।